तो आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ के बारे में। सम इफ का क्या रोल है? जैसे आपके सामने अभी एक डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा का सम करना है। तो बोले कौन सी बड़ी बात है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, सम का फॉर्मा लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा पूरे, क्योंकि सम दे रहे, ठीक है। लेकिन सम ओवरऑल दिया ना, मुझे सम विद कंडीशन, जैसे मुझे पूजा का सम चाहिए, पूजा का क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो यहां पे हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। जी हाँ, सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसमें तीन चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। हम जा रहे हैं रेंज पे, हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं और हम इस पूजा को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम वापस सम रेंज को करते हैं। तो हमारा रेंज हो गया एक कॉलम, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया पूजा, और हमारा सम रेंज हो गया सेल्स। एंड मारते रिजल्ट आए। फिर एक बार और आपको हम समझाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मोहन और यहाँ पे हमने दिया फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ, यहाँ पे आया रेंज, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है क्राइटेरिया, तो यहाँ हम क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं मोहन को। उसके बाद आता है हमारा सम रेंज, जो कि है हमारा सेल्स। तो ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला इस तरह से लगाया जाता है। अब सम इफ के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा है सम इफ के बाद उस पर चलते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेल्स है उसके अंदर जो ग्रेटर देन 50 है ना, मुझे इसका सारा टोटल चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा निकला कि मुझे इंसेंटिव देना है, जो 50 से ऊपर वाले उन सबको इंसेंटिव है, तो यहां हम देंगे फॉर्मूला इसका सम इफ का। सम इफ, और सम इफ में हमने सेलेक्ट किया अपना रेंज, जो कि ए हमारा सेल्स है, और हमने सेलेक्ट किया क्राइटेरिया। एंटर प्रेस कीजिए रिजल्ट। तो इसके अंदर जितने भी मोर देन 60, मोर देन 50 है उसका टोटल आ, मोर देन 50 का टोटल आ, ठीक है। लेकिन यहां से आप देखें कि मैंने यहां पे सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया दिया, सम रेंज नहीं। देखिए सम रेंज एक तो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ गला है, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। वो क्या है? ऑप्शनल है। तो हमने क्या किया इसमें कि हमारा जो सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही था, इसलिए हमने यहाँ पे सम रेंज नहीं डाला। अब यहाँ पे मान लीजिए किस तरह से 50 है, 60 है, और क्या हर ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, क्या हर नंबर में जाके मुझे इस तरह का ग्रेटर देन, इस तरह का लेस देन लगाना पड़ेगा? ये जरूरी नहीं है। आप जो है सम इफ फॉर्मूले के अंदर ऐसा कर सकते हैं कि सम इफ, हमने सेलेक्ट किया अपना रेंज जो कि है हमारा सी कॉलन, और फिर इसमें दिया हमने लेस देन या ग्रेटर देन जो भी देना चाहते हैं, और फिर उसके साथ हमने कॉनकेट कर लिया 50 को। एंटर प्रेस कीजिए, ये रहा रिजल्ट आपका। तो इसी तरह से हम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जैसे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब क्या हो, जब मेरे पास जो ए हो कंडीशंस हो काफी सारा, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला कि मुझे मोहन का चेल चाहिए, वो भी दिल्ली का, और
ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो यहां पे सम इफ का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि सम इफ का फॉर्मूला सिंगल कंडीशंस के लिए लगता है, बट हमारे पास है मल्टीपल कंडीशंस। तो यहां पे लगाएंगे हम फॉर्मूला सम इफ्स का, किसका, सम इफ्स का, और फिर हम इसको यहां पे लेते हैं और करते हैं अपना सम रेंज कि मुझे किसका सम चाहिए। तो मुझे सम चाहिए सी कॉलन का, उसको सेलेक्ट कर लिया। देन क्राइटेरिया वन रेंज, हमने पहली क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया और हमने पहली क्राइटेरिया मोहन सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने दूसरी क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया, दूसरी क्राइटेरिया हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, और फिर तीसरी क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया, और तीसरी क्राइटेरिया में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए ग्रेटर देन 50, और रिजल्ट आपके सामने 260 हुआ। तो सम इफ और सम इफ्स दोनों समझ में आ गया। उसके बाद बात आती है एवरेज की। मेरे पास एवरेज की फॉर्मूला है, मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया और हमने बोला इसका एवरेज चाहिए, तो ये एवरेज दे दिया, लेकिन मुझे एवरेज विद कंडीशन कि पूजा का एवरेज कितना है। तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ, एवरेज इफ जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज इफ, हाँ, जिसमें सेलेक्ट करेंगे रेंज क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज। मैं एक और बताता हूँ एवरेज इफ जस्ट लाइक सम इफ कितना लगता है। सूरज जी एक मिनट, तो बोलिए। अच्छा ये 260 कहाँ से आ गया? 260 ये डेटा से आया, क्योंकि ग्रेटर देन 50 बोला तो इसके सामने तो 85 है डेटा और नीचे है ना। अच्छा एक और है तो गलत थोड़ी ले लेगा। आप एक काम करो, फिल्टर लगा कर देख लो। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया मोहन को, राइट? हाँ जी ओके। मोहन दिल्ली में देख रहा है कितना है आपका, इसमें से जो ग्रेटर देन 50 था वो निकाल लिया, ठीक है? अच्छा ग्रेटर देन 50 वाला, ठीक ठीक है ओके ओके। तो अब सिंगल होता तो हम सिंपल सा वी लुकअप ना लगा देते, लेकिन हमें सिंगल नहीं है, मल्टीपल है, तभी तो सम इफ लगा रहे, समराइज कर रहे हैं, क्या समराइज हम तभी तो कर रहे हैं। अब यहां पे एक तो हो गई, अब सम एवरेज इफ के अंदर भी सारे कंडीशन लगा सकते हैं जो हमने सम इफ के अंदर लगाया है, और मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम यहां पे लगाएंगे एवरेज इफ्स का फॉर्मूला, एवरेज इफ्स, और हमने यहां पे सेलेक्ट किया अपना एवरेज रेंज। क्या सेलेक्ट किया? एवरेज रेंज। फिर हमारा क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री, और फिर हम एंटर प्रेस किए तो देखिए 86 आ गया। अब इसी में हमारे पास काउंट के कुछ फॉर्मूले हैं। काउंट, काउंट फॉर्मूला क्या करता है? काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट ए फॉर्मूला आपका नंबर एंड इसका टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, और काउंट ब्लैंक फॉर्मूला वो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। लेकिन मुझे काउंट करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन की, पूजा कितना बार आया है, तो उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ। काउंट इफ रेंज को सेलेक्ट किया, और किसको काउंट करना है, तो पूजा को, और ये बता देगा कि पूजा 9 बार आया है, और काउंट इफ के अंदर भी सारे कंडीशन वर्क करते हैं। लेकिन कंडीशंस मेरे पास ज्यादा है तो हम काउंट इफ्स लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करते चले जाएंगे इस तरह से। एंड ओके, आप देखिए तीनों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैक्स का, तो आपके पास मैक्स का फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है,
और आपके पास एक मिन का फॉर्मूला है जो कि मिनिमम निकालता है। लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकालने के लिए मैक्सिव, लेकिन लेटेस्ट एक्शन में ध्यान रखिएगा, ओल्ड सेक्शन नहीं है, मैक्सिव लगाने का तरीका बिल्कुल समिफ की तरह कि पहले आप मैक्स रेंज ले लें, फिर क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री, इसी तरह से ले सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास मीन इफ का फॉर्मूला है जिसमें आप अपनी मीन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री, इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की। जैसे मेरे मेरे पास डेटा है, अब इस डेटा में मैं अगर मैक्स का फॉर्मूला लगाया तो मुझे सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है, तो इसके लिए हमारे पास लार्ज का फॉर्मूला होता है। लार्ज, हमने कॉलन को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, नंबर दिया कि पहला लार्ज। अब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा 105 है, उससे छोटा 99 है, उससे छोटा 95 है, उससे छोटा 90 है, और उससे छोटा आगे 90 है, क्योंकि 90 कई बार रिपीट है, इसलिए इसने दिखाया। इसका फॉर्मूला लार्ज का। फिर इसमें हम अगर स्मॉल का फॉर्मूला लगाते हैं तो मुझे इसका स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा कि इसका स्मॉलेस्ट क्या है, राइट? अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हम सब टोटल फॉर्मूले की और एग्रीगेट फॉर्मूले। तो आपके सामने डेटा है, ये डेटा में लगाया हुआ है, तो सबसे नीचे गया डेटा के और यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया सम करने के लिए, तो सम 5558 दिखा। लेकिन हम डेटा को फिल्टर करके देखते रहते हैं, जैसे मैंने मुझे अजीत का हमने फिल्टर लगाया और देख लिया, पर प्रॉब्लम है कि अजीत का डेटा दिख रहा है पर टोटल तो ओवरऑल दिख रहा है, क्योंकि सम जो है आपका डेटा, आपका कॉलम हाइड है, आपका रो हाइड है, फिल्टर है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो रेंज आपने C2 से C114 दिया है, उसका पूरा टोटल निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला ना लगाते हैं, यहाँ हम लगा सकते हैं सब टोटल का फॉर्मूला। सब टोटल, सब टोटल में हम सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, इतने सारे चीज कर सकते हैं। अब मुझे सम करना है तो इसका नंबर 9 है, तो मैं एरो की से जाके टैब से सेलेक्ट कर लूँ या मेन्यू 9 लिख के कॉमा लगा दूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दिया, अब मेरा नंबर आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही करूंगा फिल्टर, आप देखेंगे 390 दिखेगा। क्या दिखा? 390, मतलब जो हमारा विजुअल सेल है सिर्फ उसी का, वो बाकियों का नहीं दिखेगा। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप सब टोटल या सम लगाते हैं, अगर डेटा में एरर हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने का एरर दे दिया, तो देखिए एरर आए, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक्सेल कहता है कि अगर आपके डेटा में एरर है तो फिर हम एरर ही शो करें, इनपुट एरर मिलेगा तो आउटपुट भी हमारा एरर ही होगा, इनपुट एरर है तो आउटपुट भी हमारा एरर ही होगा, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। तो उस केस में हम सब टोटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम करते हैं फॉर्मूला एग्रीगेट का, जो कि बिल्कुल सब टोटल की तरह ही है। इसमें आप सेलेक्ट कर ले अपना सम। अब इसमें एक नई चीज आ गई कि आप इग्नोर क्या करना चाहते हैं, आप इग्नोर करना क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं इग्नोर करना चाहता हूं हिडन रो एंड वैल्यू, हिडन रो एंड वैल्यू, उसके बाद फिर अपना डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि एरर को भी हाइड कर दिया और साथ में अगर फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर को भी हाइड कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप 10 लगा के ओके कर दिया, तो अब देखिए
नंबर टॉप 10 एंड ओके। ओ सॉरी एरर है, इसका टॉप 10 नहीं निकल रहा है। यहाँ पे अगर मैंने दिल्ली किया तो सिर्फ दिल्ली का टोटल दिखेगा, और जरूरी नहीं कि एग्रीगेट फॉर्मूले पे लगाए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वो डेटा कहीं से कैलकुलेट होके आता है और उस पर किसी तरह का एरर होता है, तो उसका टोटल करने के लिए भी हम एग्रीगेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 9 नंबर को दिया कॉमा, और फिर हमने यहाँ पे दिया इग्नोर एरर, और फिर सेलेक्ट कर लिया डेटा, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो सब टोटल और एग्रीगेट हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डेटा समराइजेशन का। जी हाँ, डेटा समराइजेशन। अब मान लीजिए कि इस डेटा में अगर पूजा का टोटल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि अब मेरे पास कंडीशन ज्यादा है कि मैं ओवरऑल टोटल चाहता हूँ। मेरे पास एक आया है कंडीशंस कि पूजा जो ग्रेटर देन 50 है, ओम जिसकी सेल्स लेस देन 80 है, और जीजीएन जिसकी लेस देन 70 है, इन सबों का ओवरऑल टोटल क्या होगा। तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला डी सम। क्या लगाएंगे? डी सम, डेटा बेस्ड सम। अब देखिए डेटाबेस की जितने भी फॉर्मूले हैं लगने का तरीका सबका सेम है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग देते हैं। तो डी सम में हमने पहले सेलेक्ट किया अपना डेटा, फिर सेलेक्ट किया हमने फील्ड कि किसका क्या चाहिए, टोटल किसका चाहिए, सेल्स का चाहिए। फिर सेलेक्ट किया क्राइटेरिया जो कि यहाँ है, और इस क्राइटेरिया को हेडिंग के साथ लेना होगा। एंटर प्रेस किया तो देखिए 109, मतलब इसने पहले पूजा का ग्रेटर देन 50 उठा लिया, फिर ओम का लेस देन 80 उठा लिया, फिर सिटी जीजीएन और ओवरलैंड नेम और जिसकी सेल 70 से नीचे है उसको उठा लिया, और उठा के इसने कर लिया सम। ठीक है, क्लियर सर? कोई डाउट इसमें? ऐसे आपके पास डी मैक्स का फॉर्मूला है, आप सेलेक्ट कीजिए डेटा को, किसकी मैक्सिमम निकालनी है, तो मुझे निकालनी है सेल्स, सॉरी सेल्स की। क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, क्राइटेरिया आ गया। ऐसे मुझे डी मिन है, मिनिमम है, सेम डेटा को सेलेक्ट किया और हमने ले लिया आपका सेल्स और क्राइटेरिया। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो डी मैक्स, डी मीन, डी एवरेज, डी सम, जितने भी डेटाबेस की फॉर्मूले हैं जो आप फंक्शंस के यहाँ लॉजिकल में जाएंगे डेटाबेस, ये सारे फॉर्मूले जो है अलग अलग रिजल्ट देते हैं, बट लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये मिलता जुलता आपके एडवांस फिल्टर से भी है। डेटा मेनू बार के अंदर आपका होता है एडवांस फिल्टर। ओके, जैसे मुझे इसमें से इस सारे क्राइटेरिया जो दिया गया है इसका डेटा अलग करना है, अलग मतलब कि मुझे यहाँ पर रखना है, तो एडवांस फिल्टर में जाइए, यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशंस, और यहाँ पे क्राइटेरिया को सेलेक्ट कीजिए और कॉपी जहाँ करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यूनिक रिकॉर्ड करेंगे तो यूनिक आएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, जस्ट ओके कीजिए, ये आपके सामने जो जो डेटा था वो डेटा पूरा रख देगा। तो डेटा सम, डी सम, डेटाबेस फॉर्मूला और एडवांस फिल्टर दोनों एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, दोनों एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फाइनेंशियल फॉर्मूले के तरफ। जी हाँ, फाइनेंशियल फॉर्मूला। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, कि मैंने 50,000 रुपीज 9% की इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिए लिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला हम पीएमटी का, फिर रेट ले, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, और टाइम को भी 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और प्रिंसिपल को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे,
देखिए 1832 रुपए की मंथली ईएमआई बनेगी। लेकिन मान लीजिए कि मैं ईएमआई जमा करना चाहता हूं, बट ये तो हो गया लोन आपका कि आपने लोन लिया, लेकिन एक वो इन्वेस्टमेंट कि मैं कितना रुपए महीना जमा करूं कि 7% से 3 महीने 3 सालों में मुझे 50,000 मिल जाए, तो उसके लिए हमें भी उसके लिए भी हम लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला। हम रेट को लेंगे अगेन डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम को लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से, और हमारा पीवी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो अभी तो मिल नहीं रहा, ये तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो मैं यहां पे कर दिया पीवी को ब्लैंक छोड़, एफबी को ब्लैंक छोड़, पीवी को ब्लैंक छोड़, एफबी पे हमने 50,000 को सेलेक्ट करके एंटर मार, तो 1252 रुपीज अगर हम मंथली जमा करते हैं तो 3 सालों में मुझे 50,000 आए। अब हम बात करते हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, एरे फॉर्मूला। अब देखिए एरे फॉर्मूला का जो काम है बहुत ही अच्छा है और एरे अच्छा खासा यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वांटिटी और मेरे पास रेट, मुझे इसका टोटल निकालना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक एक को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे और फिर सबका टोटल करेंगे। देखिए डायरेक्ट टोटल किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए सब टोटल का फॉर्मूला है कि आप सब टोटल सर इसका सम प्रोडक्ट का, सम प्रोडक्ट आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले कॉमा करके नीचे वाले को सेलेक्ट कर ले। देखिए बगैर सम प्रोडक्ट के भी हम इसको एरे के जरिए निकाल सकते हैं कि सम के अंदर हमने पूरा रेफरेंस दे दिया, मल्टीप्लाई हमने फिर नीचे वाले को दे दिया, एंटर प्रेस कीजिए तो ये देखिए आपको 3414 आ गया। तो ये एरे कंसेप्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने नेम के हर एक लेटर को अलग अलग सेल में इस तरह से लिखना है, तो इसके लिए अगर हम एरे का इस्तेमाल ना करें मैनुअल जाए तो हम यहां लिखेंगे मिड, मिड लिखे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने बोला कि स्टार्ट नंबर 1 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, तो एस आ गया। फिर वापस हमने मिड का फॉर्मा लगाया, इसको सेलेक्ट किया, हमने लिखा स्टार्ट नंबर 2 स्टार्ट 1, यू आ गया, फिर मिड लगाएंगे। तो इसी तरह से मुझे जितने लेटर होंगे उतने लगाने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया एंड कॉमा 1 करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए सुजीत कुमार अलग अलग सेल में ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन इसमें एक इसको एक तरीका से और लगाया जा सकता है मिड, ये जो मैनुअली हमने 1, 2, 3 किया था उसको हम सीरीज फॉर्मूले से कर सकते हैं, सीक्वेंस सॉरी माफ कीजिएगा सीक्वेंस फॉर्मूले से, सीक्वेंस सीक्वेंस फॉर्मूले में हम बोलेंगे रो नंबर 1 कॉलम नंबर हमने बोला लेन, भाई जितना इसका लेंथ है क्योंकि तो लेंथ बढ़ता घटता रहेगा ना, और फिर 1,1 कर दीजिए, और फिर यहां पे कर दीजिए 1, एंटर प्रेस करके देखिए ये देखिए सेम काम। तो ये जो मैनुअली हमने 1 से 20 तक लिखा ये काम यहाँ सीक्वेंस ने कर दिया, इसको एरे मेथड कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ना कि मुझे पूजा रवि प्लस टोटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पूजा का यहाँ रवि का यहाँ इसका ओम का टोटल करेंगे, यहाँ पे सम इफ का लगाएंगे फिर टोटल करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार में हो जाएगा, सम और इफ को हम अलग अलग कर दें एरे फॉर्मेट में। इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने
इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया पूजा, इन्वर्टर कमा देना पड़ेगा, पूजा कॉमा रवि कॉमा ओ, और फिर कर्ली ब्रैकेट किया क्लोज, और यहां पे हमने बोला कि ए आ जाए। और जैसे यहां पे, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए रिजल्ट आया। तो रिजल्ट काम कैसे कर रहा है, तो इसको समझने के लिए फॉर्मूला में आपको जाना होगा एल्गुलेट फॉर्मूला। और यहाँ देखिए, अगर पी टू से पी फिफ्टीन अगर इक्वल टू पूजा है, तो जहां जहां पूजा था वहां वहां ट्रू आ गया, और जहां जहां ट्रू आया वहां वहां पे उसने नंबर डाल दिया, और सम फॉल्स को इग्नोर रख करता है और नंबर को सम करके रिजल्ट दे दिया। हालांकि एरे फॉर्मूला लिस्ट ऑफ कोई फॉर्मूला नहीं है, लगाने का तरीका है, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा। ओके, तो यहां पे मैं फॉर्मूला का चैप्टर करता हूं क्लोज। अब हम बात करते हैं डेटा कनेक्टिविटी। जी हाँ, डेटा कनेक्टिविटी, जैसे मुझे किसी और एक्सेल से डेटा चाहिए होगा तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ देखिए आपके सामने फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, मतलब मैं एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करना चाहता हूँ, एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने मुझे जहां जाना चाहिए था उस पे चले जाते हैं, जैसे पिवट टेबल का ही डेटा मुझे उठाना है, हमने इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करते ही इस पे जितने भी नंबर ऑफ शीट्स के डेटा होंगे वो यहाँ आपको दिख जाए। तो ये रहा डेटा, इसको सिलेक्ट किया, अब इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ये चला जाएगा पावर क्यू, जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत फालतू के ब्लैंक रो हो गए होंगे। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा करता हूं ताकि ये पावर क्वेरी पे आ जाए, जहां पे हम डेटा के कुछ चीजें चेंज कर सके। तो आप यहां देखें मैंने क्या किया, मैंने यहां पे आया इमारती ए, यहां ये सारे कॉलम फालतू के हैं, राइट क्लिक किया रिमूव कॉलम, ये सारे कॉलम रिमूव हो गए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एमआरपी और क्वांटिटी है, इसके अंदर टोटल नहीं है, मतलब कि अमाउंट नहीं है, मतलब कि ये जो 87 क्वांटिटी बिका, तो इच क्वांटिटी का कीमत जो है 3666 है, तो 87 क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अभी आपकी ओरिजिनल डेटा में कोई फर्क नहीं कर रहा है, ये आपके यहाँ यहाँ पे कर रहा है, इसके अंदर पावर क्वेरी के अंदर ओरिजिनल डेटा जैसा है वैसा रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कॉलर में गया, और यहाँ पे हम किया कस्टम कॉलर, और यहां मैंने लिख दिया अमाउंट, और फिर यहां हमने सेलेक्ट किया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी एंड ओके। देखिए कैलकुलेट हो गया। अब मैं यहाँ होम पे जाता हूँ, लोड एंड क्लोज, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक रिपोर्ट आपके सामने बन के डेटा जो है आपका यहीं पे आ गया। तो हमने डेटा को कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको किसी एक्सेस से डेटा लेना हो, किसी और से डेटा लेना हो, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, पीडीएफ से लेना हो या किसी और डेटाबेस से लेना हो, तो आप डेटाबेस को इस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन क्या हो, मुझे एक फोल्डर में से डेटा लेना, ठीक है, क्या हो मुझे अपने एक फोल्डर में से डेटा लेना, लेकिन साला कंसोलिडेट करना है, कुलेट करके। जैसे मैं अगर ई ड्राइव पे जाता हूँ, तो ई ड्राइव के अंदर हमारे पास 2021 है, उसके अंदर एक डेटा फोल्डर है, इसके अंदर 9 दिख रहे हैं आपको कि 9 अलग अलग फाइल्स हैं, मुझे सारे फाइल्स के अंदर डेटा है, और डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल सेम साइज का है। डेटा का फॉर्मेट क्या है,
बिल्कुल सेम साइज का है, और मुझे इसके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे करें? ऐसे 100 फाइलें भी हो सकती है। तो आप फोल्डर का पाथ यहां से कर दीजिए कॉपी, और चलिए एक्सेल के ऊपर, और यहां इंसर्ट फ्रॉम फोल्डर, और फोल्डर का पाथ यहां डाल दीजिए, और यहां पे आप कीजिए जस्ट ओपन। ओपन करने के बाद ये देखिए जितने भी फाइल का लिस्ट है वो दिखा देगा। यहां दिख रहा है कंबाइन, कंबाइन को ड्रॉप कीजिए, कंबाइन एंड लोड करके आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही एक और विंडो आएगा जहां पे सारे फाइलों का डेटा वन बाय वन दिखेगा आपको। जैसे फर्स्ट फाइल हुआ, ऐसे देखिए 9 फाइल हो गए। किसी एक फाइल जिसमें डेटा सब कुछ बराबर है उसको सिलेक्ट कीजिए, शीट को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि फाइल गड़बड़ हो सकती है तो स्किप ब्लैंक विथ एरर करेंगे तो जो फाइल में एरर होगा उसको स्किप कर देगा, जिस फाइल के अंदर एरर होगा उसको स्किप कर देगा, और फिर आप यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ही देर में सारा डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे प्लेट हो जाएगा और यहाँ आपको आ जाएगा। और फिर यहाँ पे लोड एंड क्लोज कर दीजिए, ये डेटा आपके सामने एक सीट पे। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज पढ़ा दिया, इसको कीजिए प्रैक्टिस। कल हम एक रिपोर्ट एक डैशबोर्ड आपके सामने सामने डिस्कस करेंगे।